अच्छा बेटा, अब जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, एंजाइम्स। इसके अंदर बेटा सिंपल से एमसीक्यूज हैं इसके भी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। इन रिएक्शन इन स्टेटमेंट में से कोई एक या दो रिएक्शन स्टेटमेंट ऐसे है जो कि एंजाइम से रिलेटेड ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 1 ए क्या कहता है, द रिएक्शन इज फास्टर देन द सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अब इसका मतलब है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के बारे में पूछा गया है कि भाई एंजाइम एक ऐसा रिएक्शन जो कि एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, वो रिएक्शन फास्ट होगा कंपैरेटिव टू दैट रिएक्शन जो कि एंजाइम्स के बगैर हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी एंजाइम के बगैर रिएक्शन स्लो होता है और एंजाइम के साथ रिएक्शन फास्ट होता है। अच्छा, द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज ऑपोजिट फ्रॉम द रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई फ्री एनर्जी चेंज जो है वो क्या है, ऑपोजिट है फ्रॉम द रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अब देखो फ्री एनर्जी चेंज जो होती है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता किसके साथ, एंजाइम की प्रेजेंस या एब्सेंस से। सही है। फॉर एग्जाम्पल भाई, ये एक लेट सपोज कि ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। अब विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। अब देखो सबस्ट्रेट की एनर्जी ये थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। तो ये जो एनर्जी चेंज है ना, ये इतना, ये जो एनर्जी चेंज है ये फ्री एनर्जी चेंज है। ये विदाउट एंजाइम है, विदाउट एंजाइम ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। दोनों ही सूरतों में फ्री एनर्जी चेंज जो है वो सेम रहती है। समझ रहे हो बात, फ्री एनर्जी चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री एनर्जी चेंज ये है कि भाई जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो फ्री एनर्जी चेंज होती है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं होता। और एंजाइम किस पे काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या कह रहे हैं, द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज ऑपोजिट फ्रॉम द रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है। अच्छा, द रिएक्शन ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स केमिकल इक्विबिलियम। रिएक्शन हमेशा केमिकल इक्विबिलियम की तरफ जाता है। भाई ये केमिकल इक्विबिलियम का एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन से कोई ताल्लुक डायरेक्टली नहीं होता, ये इसका सही ऑप्शन है। अच्छा जी, क्या कह रहा है, द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट, एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम के बारे में पूछा गया, दैट बाइंड एलोस्टेरिक रेगुलेटर ऑफ द एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम, बाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ द कैटालाइटिक रिएक्शन इज इनेबल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है, एलोस्टेरिक रेगुलेटर जो है उसका एक्टिव साइट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये गलत है। इज इन्वॉल्व इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट वो पार्ट है जहाँ पे एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। बी इसका बिल्कुल सही है। जबकि सी और डी, बाइंड टू द प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट के साथ बाइंड तो नहीं करता, प्रोडक्ट तो रिलीज करता है एक्टिव साइट्स के साथ। तो बी भी सी भी गलत है। और डी कह रहा है इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ को एंजाइम को फैक्टर, ये इनहिबिटर तो नहीं है, तो ये भी गलत है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। थ्री क्या है, अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम कैटालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई एंजाइम कैटालिसिस में इंड्यूस फिट मॉडल के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ एक्टिव, शेप के ऊपर डिपेंडेंसी तो कीलॉक मॉडल में बताया गया था। तो भाई ये वाले पॉइंट गलत है। सम एंजाइम्स चेंज इन स्ट्रक्चर व्हेन एक्टिवेटर बाइंड्स टू द एंजाइम, सम एंजाइम्स चेंज। भाई इस स्टेटमेंट का ताल्लुक इंड्यूस फिट मॉडल से नहीं है, तो ये भी नहीं। हमें इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में बताना है। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन आउट कम्पीट द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट, इस बात का ताल्लुक भी इंड्यूस फिट मॉडल से नहीं है। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट चेंज द शेप ऑफ एंजाइम्स एक्टिव साइट, ये बात है कि भाई जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो इंड्यूस का तो मतलब ही यही होता है ना, इंडक्शन चेंज हो जाना, इन्फ्लुएंस हो जाना सोहबत में किसी चीज के। तो भाई जब सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है तो एंजाइम के एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। डी इसका सही ऑप्शन है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि भाई
which curve represent the behavior of an enzyme taken from the bacterium that live in hot spring. अब देखो याद रखना, हमारी किताब में लिखा हुआ बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रहता है, उस एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 70 से 80 के बीच में, सही है। अब ये कर्व है, ये देखो, ये 0, ये 100, 0, 20, 40, 60, 80 और 100। तो भाई ये कहाँ पे आ रहा है, 40 से पहले आ रहा है, तो 37। ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का ये कर्व 1 तो नहीं हो सकता। अब बी क्या कह रहा है, बी किसके बीच में आ रहा है, 40 और 60 के बीच में आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 2 कर्व 3 जो है वो आपका ये देखो 80 की लाइन से पहले 70 और 80 के बीच में आ रहा है, 60 और 80 के बीच में आ रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कर्व 3 इसका आंसर है, तो सी इसका आंसर है, सही है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे विच कर्व रिप्रेजेंट, भाई एक एंजाइम में कोई दो कर्व नहीं बन सकता, क्योंकि एंजाइम हीट सेंसिटिव होता है। अक्सर जो है ना लोग इसमें क्या करवा देते हैं, ये 2 और 3 को सही करवा देते हैं, ये नहीं हो सकता भाई, एंजाइम हीट सेंसिटिव होता है, दो कर्व नहीं बनते एंजाइम के रिएक्शन पे। अच्छा भाई, इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन कुड ओवरकम विच ऑफ द फॉलोइंग। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को जब आप बढ़ाओगे तो क्या हो सकता है, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, भाई सबस्ट्रेट बढ़ाने से डीनेचर क्यों होगा एंजाइम, ये नहीं हो सकता। एलोस्टेरिक इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सैचुरेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा अब क्या, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इन एन एंजाइम एंजाइमेटिक रिएक्शन कुड ओवरकम विच ऑफ द फॉलो। ओवरकम का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को बढ़ाने से क्या चीज ओवरकम हो जाती है, ओवरकम को मतलब यूं समझ लो क्या चीज ठीक हो जाती है, सही है। तो भाई डीनेचुरेशन तो ठीक नहीं हो सकती ना। अच्छा एलोस्टेरिक इनहिबिशन मीनिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है उसको थोड़ा हद तक कम किया जा सकता है। भाई देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है, एक एंजाइम है उसके एक्टिव साइट पर ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक सब्सटेंस है जो सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, और ये एक असली वाला सबस्ट्रेट है। अब बेटा अगर ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर ज़्यादा होगा तो इनहिबिशन ज़्यादा होगी, सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो इनहिबिशन कम हो जाएगी। तो भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, सही, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, तो दैट मीन सी इसका सही ऑप्शन है कि जब आपके पास एंजाइम में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रही हो तो उस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ओवरकम करने के लिए, कम करने के लिए या पास करने के लिए आप एंजाइम में सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, आपका रिएक्शन की स्पीड, आपके रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ब्लॉक द एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द एक्टिव साइट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है एक्टिव साइट पे ऑफ एन एंजाइम। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव साइट डस दिस प्राइमरीली डिपेंड। अच्छा अब भाई ब्लॉक तो कर रहा है, एक्टिव साइट की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब ऑप्शन ये कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू फॉर्म टेम्पलेट फॉर होल्डिंग एंड ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल। अब भाई एबिलिटी ऑफ एंजाइम, टेम्पलेट हम किसको कह रहे हैं, भाई मिसाल के तौर पे ये एंजाइम है, ये उसका एक्टिव साइड है, अब भाई ये उसका सबस्ट्रेट है, सही है ना, तो सबस्ट्रेट आके इसमें जुड़ेगा, तो भाई ये जो एक्टिव साइड है, एक्टिव साइड की जो शेप है ये इस तरह से जिसमें सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट के लिए टेम्पलेट है। अच्छा अब यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे ऑप्शन क्या पता है, इससे बेहतर जो है डिस्क्रिप्शन दी हो। एंजाइम्स एबिलिटी टू स्ट्रेच रिएक्टेंट्स एंड मूव देम टुवर्ड्स ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में पूछा गया था, तो ये पूछा गया था कि भाई आप जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कराते हो तो सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आके बाइंड कर जाता है, तो सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आके बाइंड कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, आखिर एक्टिव साइट के साथ ऐसा क्या है। तो भाई असल बात ये होती है कि आपके पास जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होता है, तो इसी वजह से भाई वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आता है एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाता है और सबस्ट्रेट को बाइंड करने की जगह नहीं मिलती। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों बाइंड कर गया, क्योंकि वो सबस्ट्रेट से मिलता जुलता था, उसकी जगह बन रही थी, समझ रहे हो, जैसे आप एक ताला होता है, अब उस ताले में आपकी चाबी इंसर्ट होती है, लेकिन अगर उस ताले में मैंने कोई माचिस की तीली डाल दी
तो माचिस की तीली तो चली गई, हालांकि वो तो चाबी नहीं थी, लेकिन अब वो माचिस की तीली जाने की वजह से आपकी चाबी नहीं जाएगी उसके अंदर, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह से क्यों हुआ, क्योंकि उस ताले में उसका टेम्पलेट था, जगह थी कि वो माचिस की तीली अंदर, हाँ माचिस की तीली जाके काम नहीं कर पाया अपना, वो एक अलग चीज है, लेकिन स्टिल वो जाके फिट हो गई। जबकि ये तो रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या करती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिएक्शन को नहीं रोकती, सबस्ट्रेट के फिट होने को रोकती है। आपको पता है कि भाई ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर एंजाइम अलग होता है और प्रोडक्ट निकल जाता है। अब देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इधर काम करती है, इधर कि एंजाइम और सबस्ट्रेट को जुड़ने से रोक रही होती है। ये होता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का कन्वर्ट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ट्रांजिशन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। द एंजाइम प्रोवाइडिंग एन अप्रोप्रिएट माइक्रो एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू रिएक्शन अकरेंस, भाई ये भी बिकांड से, क्योंकि भाई सब ज्वाइनिंग को रोक रहा है, अटैचमेंट को रोक रहा है, तो यहाँ पे तो एनवायरनमेंट तो तब प्रोवाइड होगा ना जब वो बाइंड करेगा, तो ये भी नहीं। द एंजाइम फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड विद द रिएक्टेंट, ये भी गलत है। तो ए ही इसका एक्यूरेट ऑप्शन है। A series of enzyme catalyze reaction, X convert into Y, Y convert into Z, and Z convert into A. Product A bind to the enzyme that convert X. Let's suppose कि ये X और Y में convert हो रहा है, enzyme 1 इसको convert कर रहा है, फिर Y को Z में enzyme 2 convert कर रहा है, Z को A में enzyme 3 convert कर रहा है। अब product A आता है और enzyme A के साथ bind कर जाता है, सही है? At a position remote from its active site, ऐसे position पे जो active site से दूर हो, यानी allosteric inhibition करता है, allosteric site पे bind करता है। This binding decreases the activity of enzyme. What is the substance X? इस binding की वजह से enzyme की activity decrease हो जाती है। तो भाई obviously substance X के, इतनी पूरी कहानी बता करने के बाद substance X का पूछा गया। अगर ये ना भी कहता तो हमें पता था कि भाई अगर ये एक reaction है, इस reaction में X Y में convert हो रहा है, तो obviously X तो substrate हुआ ना, सही है? अच्छा भाई, इफ व्हेन एंजाइम इज एडेड टू अ सॉल्यूशन वेयर इट्स सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम, व्हाट विल अकर, भाई एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, ये आपके किताब की लाइन है, सही है? तो यहाँ पे इसके अंदर इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, इसमें से एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया कि दे एक्ट अपॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू रिलीज न्यू सबस्ट्रेट, भाई सबस्ट्रेट पर मॉलिक्यूल करके सबस्ट्रेट तो रिलीज नहीं करेगा ना, प्रोडक्ट रिलीज करेगा। दे एक्चुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एंजाइम्स ड्रामेटिकली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन, एंजाइम्स ब्रेक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ब्रेक क्यों करेगा भाई, प्रोडक्ट तो बनाना होता है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे लास्ट एमसीक्यूज, हाउ डज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द रेट ऑफ एन एंजाइम, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, बाय बाइंडिंग द एक्टिव साइड ऑफ, एक्टिव साइड के साथ तो नॉन कॉम्पिटिटिव बाइंड नहीं करेगा, बाय चेंजिंग द शेप ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा बाय चेंजिंग फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, बाय एक्टिंग एज अ कोएंजाइम ऑफ, कोएंजाइम ऑफ अ रिएक्शन भी नहीं होता, अच्छा रिएक्टेंट के शेप से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, रिएक्टेंट का शेप तो चेंज नहीं करता, एंजाइम की एक्टिव साइड का शेप चेंज करता है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है, बाय चेंजिंग द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन,